Vlog, all is percussion. सुन लिया भैया, शुरू करें, शुरू करें, शुरू तो बहुत आधा व्लॉग बना था लेकिन मेमोरी कार्ड टूट गया इस व्लॉग में। जिस मेमोरी कार्ड में था वो मेमोरी कार्ड टूट गया, तो उस वक्त अफसोस हुआ, लेकिन नाउ आई रियलाइज इट कि होते रहते नुकसान, तो एंड आई एम ओवर इट नाउ, सो दैट्स समथिंग। तो अपडेट थी। सेकंड ऑफ ऑल, अभी जो है, अभी सुहेब, अगर पता नहीं कौन सुहेब है, एक बार दोस्त है एक मेरा, पता नहीं कैसे, तो उसने, उसके घर की शादी है, तो उसने मुझे इन्वाइट किया है वहाँ पे, तो वहाँ चलना है। तो मैं मेरा दिल नहीं जा रहा जाने का, मैं अपनी दोस्त निभाने के लिए जा रहा हूँ। टोटली मजाक कर रहा हूँ, व्लॉग कंटेंट चाहिए मुझे यार। ये जो फोकस होता है ना, आई लव दिस। और नाक पे पिंपल होगा प्लीज। आई स्वेयर, ये फ्लैश वाले मोमेंट्स को जो तेज तेज भागता हूँ मैं, इसको रिकॉर्ड करने मुझे इतना वियर्ड लगता है ना, कमरे में अकेला भाग रहा हूँ। जब तक ये आए, आपको मैं एक अपने बिखरे हुए रूम का सिनेमैटिक दिखा दूँ, ताकि आप बोर ना हो। You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. अच्छा भाई, मुझे आए हुए ना एक घंटा हो गया, अब करूँगी मैं। मैं इन सिक्योरिटी से पागल हो गया था। ये मेरा नहीं है, मैंने जब ये मेरा नहीं है। Robson here with a great save at Vancouver Brake and Wheel. Most domestic and imported cars. You get front discs machine. तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि अभी मैं सुहेब की फैमिली के इवेंट पर आया हुआ हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे कौन आ गया, जानते भी नहीं ऐसे क्या कर रहा है, ये कैमरा से क्यों बात कर रहा है। वियर्ड फील होता क्योंकि मेरे फैमिली का इवेंट नहीं था, लेकिन जब मेरी फैमिली का इवेंट होता तो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं ब्लॉग भी करता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर ब्लॉग कम किया है और सिनेमाटोग्राफी ज़्यादा की है, लेकिन इसके बाद एक मेरा इवेंट है, तो आगे आप खुद समझ। इसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हुआ है, जब मेरा गेट कट रहा है आखिरी, अच्छा भाई, तो अब एक हफ्ता हो गया जो मैं सुहेब के इवेंट पे गया था, उसके ख़ानदान की जो भी होती है। खैर, अब जो है अभी मुझे जाना है मेरे ख़ानदान के इवेंट में, और ऑनेस्टली मैं यहाँ पे ब्लॉग कम करूँगा। क्यों? क्योंकि शादी है, किसी ने बुलाया आपको, आप इसलिए थोड़ी बुलाया कि आप कैमरे से बात करते रहो। वैसे भी मैं शादी का ब्लॉग बना चुका हूँ, किस्सा शादी, अगर आपने देखा तो जाके देख लें। तो बस यहाँ पे ब्लॉग कम करूँगा, सिनेमाटोग्राफी ज़्यादा करूँगा, तो देखें। अच्छा, तो मैंने एक और देखे, आपको पीछे गाने की आवाज़ आ रही होगी, रीज़न बीइंग कि मेरा तो माइक्रोफोन चारों तरफ से आवाज़ उठा रहा है, तो मैंने उसके लिए शॉटगन माइक मंगवाया है, तो मैं करीब रख रहा हूँ अभी, तो मैंने शॉटगन माइक मंगवाया है, तो उससे मेरी आवाज़ बेहतर हो जाएगी, उम्मीद है। तो अब देखते हैं कैसा होगा, प्रॉब्ली इस ब्लॉग के एंड तक आ जाएगा। रस्ते में खैर, मेरा माइक अब तक नहीं आया है, लेकिन जो अब तक आ गया है वो है रियान अली बली में।
मैं चाहूँ जितनी बैटरी रिकॉर्ड कर लूँ, इस कैमरे की बैटरी खत्म जरूर होती है। फिर मैं जहाँ भी हूँ हमेशा धोखी देती है मुझे इस कैमरे की बैटरी हमेशा। मतलब आप अगर देसी शादी में आए और आपने अपने DSLR के साथ पिक्चर नहीं खिंचवाई, मतलब आपने भी DSLR है, किस भी DSLR से है, तो आप देसी शादी में क्यों आए? यार इस बंदे को देख रहे हैं, ये बंदा भी इस वक्त कितना दूर है। ये एक अदद रे क्राफ्ट है, बराए मेहरबानी के चैनल में सब्सक्राइब करें। एक अदद रे क्राफ्ट है, बराए मेहरबानी के चैनल में सब्सक्राइब करें। फिर से मैं कहना भूल गया कि सिनेमैटिक से शुरू करें इस व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में कहा था, तो अब कह रहा हूँ कि सिनेमैटिक से शुरू करें। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना प्रमोट करूँगा सिनेमैटिक शुरू करें को, लेकिन शुरू करें, करें शुरू। ब्लैक स्क्रीन आएगी अभी, 3-2-1 लिखा आएगा, फिर शुरू होंगे। अच्छा एक और चीज़ की, अभी जब ये व्लॉग देख रहे हैं, इसके बाद जो व्लॉग आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आएगा। क्यों? क्योंकि मार्च में मेरे मॉक्स शुरू हो रहे हैं और मई में मेरे CIEs होंगे, तो अप्रैल में अपलोड करूँगा व्लॉग। और अप्रैल में व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं मई का ब्रेक लूँगा, क्योंकि अप्रैल के आखिर से लेके मई के बीच तक CIE हैं, और उसके बाद फाइनली वापस व्लॉगिंग शुरू करूँगा। लेकिन मई जून में कुछ खास व्लॉग्स आएंगे, बस टीजर दे रहा हूँ अभी। एक और चीज़ मैंने अब तक कहा नहीं व्लॉग्स में, जबकि इवन उसके बहुत टाइम हो गया, और वो ये है कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए। एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा थैंक्स अ लॉट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करूँगा जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। और जब आप सोचें कि 1000 लोगों ने आपके चैनल में सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको एक्चुअली एक मोटिवेशन बूस्ट मिलता है। मतलब कि तो बस यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है मोर और वीडियोज बनाने के लिए, कि लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आए, क्योंकि मुझे मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। नो सेल्फ ऑब्सेशन, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन के सारे पैसे। लेकिन जब आपको पता लगता है कि लोगों को भी आपकी वीडियोस पसंद आ रही, तो वो भी आपके लिए मोटिवेटिंग होता है। सो थैंक्स लॉट, अल्लाह हाफ़िज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगले व्लॉग में मिलेंगे, लेकिन अगले व्लॉग पता नहीं कब आएगा। अल्लाह हाफ़िज़ की ज़रूरत है।